आप एक काम कीजिए, ये सुनिए। हेलो हेलो, हम अयोध्या प्रसाद बोल रहे हैं। हाँ बोलो, क्या बात है? देखिए, हमको ये जानना था कि वो जो हमारी पत्नी है गुलकंद, उसकी जमानत का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं, समझे? वो यहीं रहेगी लॉकअप में, अब तो कोर्ट से ही छुटेगी, वो भी मंडे को जमानत मिलने के बाद। उससे पहले छुटने का कोई आसार नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा व्यवस्था किए हो। लेकिन एक है दिक्कत है बेटा। अब का दिक्कत है बाबूजी? कहे कि पायल तुमको पहचानता है ना, दूजू मारपीट करता समय और तुमको पायल देखी है ना। बस तुम एक काम करना, उसके नजर के सामने मत आना, रहना तो यहीं पर है लेकिन पायल के सामने नहीं पड़ना है। एक बार शादी हो जाने दो ना बेटा, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? ए बेटा, एक आइडिया आया है हमको, ये कि तुम इधर ही कहीं रहना, मंडप से दूर रहना, ताकि सबको लगेगा कि तुम शादी में हो भी और पायल को नजर भी नहीं आओगे, समझे ना तुम? संतोषी जी, क्या बात है, कमाल कर दिए भाई। अरे भाई, आप लोगों का बातचीत खत्म हो गया हो तो अंदर चलें। अरे हाँ बाबूजी, आप लोग जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब इस शादी को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता।